हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ड्रेस का रिव्यू जिसे कि मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। सो यहाँ पे है मेरे पास ये ड्रेस, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड दिख रहा है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बट ये काफ़ी लाइट शेड में है। सो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सो ये जो है वो एक प्लाजो सूट है। सो वन बाई वन बात करते हैं इसके तीनों आइटम्स की, यानी कि मुझे इसमें प्लाजो रिसीव हुआ है, शर्ट रिसीव हुई है और साथ में ये दुपट्टा रिसीव हुआ है। कलर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, वीडियो में थोड़ा सा डार्क दिख रहा है लेकिन ये बिल्कुल लाइट ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है। वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शर्ट की। सो ये है हमारे पास यहाँ पे शर्ट, जो कि काफ़ी प्रिटी है। इसका प्रिंट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से राउंड राउंड, क्या कहेंगे इसे, चकरी। सो ये कुछ इस तरह से है जैसे आप देख सकते हैं। और इसकी सबसे पहले बात करते हैं हम नेक की। सो राउंड नेक है और ये नीचे से कुछ इस तरह से वी शेप में दिया गया है, काफ़ी सही है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे मतलब यहाँ जैसे आएगी आपकी ये नेक, सो काफ़ी सही है। और नीचे से ये थोड़ा सा खुला है जो कि आपको पहनना इजी होगा जिसकी वजह से। ओके, सो बात करें इसकी स्लीव्स की, तो हमारे पास जैसे कि आपने देखा है मेरी मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस में स्लीव जो हैं वो 3/4 ही होती हैं और इसमें भी वैसी हैं। इसका प्रिंट जैसा शर्ट पे है, स्लीव्स का प्रिंट भी वैसा है और ये यहाँ पे एक पट्टी लगी है, ठीक है, थोड़े से डिफरेंट प्रिंट में, जैसे कि कॉलर का प्रिंट है वैसे ही। और बात करें इसकी लेंथ की, तो लेंथ काफ़ी ज़्यादा सही है, आपके नी से नीचे तक आने वाली, आप देख सकते हैं कितना लंबा है ये, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा है। बात करें फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन फैब्रिक है, आपको कॉलेज वियर के लिए, ठीक है, या आप ऑफिस जाती हैं तब भी आपके लिए काफ़ी सही है, ठीक है। नॉर्मल वियर के लिए काफ़ी अच्छी ड्रेस है ये, ठीक है। सो अब बात करते हैं इसके प्लाजो की। सो ये कुछ इस तरह से है, जैसा कि कॉलर पे प्रिंट था और स्लीव्स के आगे प्रिंट था, वैसा ही प्लाजो का प्रिंट है। और इसका इलास्टिक जो है वो काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा सही है, इसके पूरा राउंड में इलास्टिक है, आगे पीछे पूरा राउंड में इलास्टिक है, ठीक है। इसका फैब्रिक भी कॉटन है और इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊंचा ऊंचा नहीं उठेगा, लेंथ काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है, प्रॉपर। और मुझे वो ऊंचे उठने वाले प्लाजो जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब आपकी लेग्स इतनी इतनी तो ऐसे दिख जाती हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। जो मैंने एक पिंक ड्रेस आपके साथ शेयर की थी वो काफ़ी प्रीटी है, बट वो भी थोड़ा उसका प्लाजो का लेंथ जो है वो काफ़ी कम है, बट इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। नीचे इसके कुछ नहीं है, प्लेन है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जैसा है प्लेन वैसा ही प्रिंट पूरे प्लाजो पे दिया गया है, बट इट्स ओके। और इसका जो ये फ्लेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार इसे, ओके जो भी बोलेंगे, ये ज़्यादा भी नहीं है, ओके है, ठीक है। सो नॉर्मल वियर के लिए, रेगुलर वियर के लिए बहुत ही सही है। इसकी शर्ट भी, इसका प्लाजो भी, अब बात करते हैं इसका दुपट्टा। सो दुपट्टा जो है वो भी ब्लू इन कलर में है, ये भी कॉटन फैब्रिक है एंड मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से इसका प्रिंट है, बॉर्डर पे इसका प्रिंट इस तरह से है ऐसे, ठीक है, एंड इस तरह से, ओके आप देख सकते हैं, ओके। सो मैं आपको इसे ओढ़ के दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा है ये भी, लेकिन ये कुछ ऐसा कपड़ा है कि अगर आप इसे ऐसे ऐसे करोगे, ये कहीं पे थोड़ी देर दबा रहेगा ना तो ये वैसी शेप में आ जाएगा, मतलब इसे सही से प्रेस करके बिल्कुल सेट करके पहनना पड़ेगा, वैसा है जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इसमें इस तरह से, हाँ ऐसे पड़ जाएंगे अगर आप थोड़ी देर इसे कहीं भी रखोगे, ठीक है, दबा के इसके ऊपर कोई चीज़ रखोगे, सो इसे बिल्कुल प्रेस करके आपको ओढ़ना पड़ेगा, आप धोगे तब भी ये श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, तो प्रॉपरली इसे भी प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, सो मज़ा आने वाला है इसे ओढ़ के। ओके, सो गाइस, यस, ये तो था इसका रिव्यू। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी MRP आई थिंक यहाँ पे दी गई है,
ब्रांड ब्रांड की बात नहीं की, ये है फ्रॉम द ब्रांड स्टाइलम, ठीक है। और इसका जो MRP है वो है 3400, 3400, बट मैंने इसे परचेज किया है अराउंड 700 में। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो शो कर दूंगी। सो 700 के अराउंड काफ़ी अच्छा है, कलर बहुत प्यारा है। इसमें एक आई थिंक ऑरेंज कलर अवेलेबल था, काफ़ी सही है। और इसे भी मैंने परचेज किया है एक्सरसाइज में, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज ही आता है, ठीक है। यस, एज यू गाइस कैन सी, इसे भी मैंने एक्सरसाइज में परचेज किया है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, काफ़ी अच्छा है ये, अच्छा है। इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, और ये भी अच्छा है। बस इसका मुझे थोड़ा सा है कि इसे भी प्रेस करना पड़ेगा साथ में, और ऐसे दुपट्टों को प्रेस करने में काफ़ी वक्त भी लग जाता है, और ये सेट ही नहीं होते, बट इट्स ओके, वर्थ है, ठीक है। ये तो था मेरा आज का रिव्यू। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू जो है वो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये रिव्यू जो है वो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।